जा रहा है आज बकरीद का त्यौहार। आपको बता दें कि मस्जिदों ईदगाहों में आज नमाज हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने की लोगों से बार बार अपील की जा रही है। भारी पुलिस बल अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। राजधानी लखनऊ में इसी के चलते धारा 144 में सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो लगा दी गई है। आज बकरीद के त्यौहार को मनाने के लिए लोग सुबह से ही देखे ईदगाहों पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है और इसी के साथ सुरक्षा का भी पूरा खासा ध्यान रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको तीन हम दिखा रहे हैं जहाँ पर जामा मस्जिद में नमाज हुई है। एक दूसरे को लोग यहाँ पर बकरीद की बधाई दे रहे हैं मिलकर गले लगकर। पुलिस की भी सख्ती देखी जगह जगह यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ जहाँ ये मस्जिदों के बाहर लोग पहुँच रहे हैं आज नमाज अदा। तस्वीर और आपके सामने अमरोहा की हापुड़ी और अमेठी की तस्वीरें हैं। और अमरोहा में हापुड़ी में अमेठी में पुलिस देखिए यहाँ पर पहले से ही तैयार थे। पुलिस ने पैदल गश्त भी किया है। यहाँ पर लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। हापुड़ की तस्वीर भी देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। अमरोहा में भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था फैलाने की पुख्ता देखी जा रही है। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस के जवान काफी संख्या में तैनात कर दिए गए। और अब चार तस्वीरें मेरठ, मुरादाबाद, झांसी, देवरिया, मुजफ्फरनगर की पांच तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां पर इन पांच तस्वीरों में अलग अलग जगह पर लोग आज पहुंच कर ईदगाहों पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो पुलिस यहाँ पर देखिए लोगों से मिलकर उनसे बात करती हुई उन्हें समझाती भी दिखती कई जगह। यहाँ पर पुलिस के जवान भी देखिए साथ साथ यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर जहाँ पर लोग नमाजी पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने उनसे अपील करते हैं। और इसी के साथ देखिए वहाँ पर सुरक्षा को ध्यान रखते हुए एक करके सभी को नमाज अदा करने के लिए बताते नजर आ रहे। वही संभल से खबर जयपुर।